प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। भारत बंद पर किसान मोर्चा मुंबई के प्रवेश द्वार पहुंचा, सिखों ने किया आंदोलन। 3 काले कानूनों को रद्द किए जाने के लिए लोगों से किए अपील। ब्यूरो रिपोर्ट SWNU। गुरु जी की फतेह। आज मुंबई में सारे सिख संगठनों ने यहाँ पे मोर्चा निकाला है प्रोटेस्ट में, किसानों के साथ देने के लिए। जो अन्नदाता है आज उसकी बेकदरी हो रही है, इसके लिए ये प्रोटेस्ट रोज गुजारा निकाला गया है पूरी मुंबई की सिख संगत की तरफ से। और जिनको कि यहाँ पे डंपर लगा के ब्लॉक किया गया है और हमें आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात ये याद रख ले, मोदी सरकार जितना मर्जी डंपर लगा ले, जो मर्जी कर ले, तेरी खाट खड़ी होनी है। यहाँ पे मुंबई के द्वार में सर जी आपको रोका गया है तो क्या कहेंगे, सरकार पे निशाना क्या साधेंगे? निशाना यही साधेंगे कि चाहे देश के किसी कोने में चले जा, किसान के समर्थक तुझे मिलेंगे। और भी किसान के साथ नहीं दे रहे? और किसान लोगों से आपने अपील किया है कि साथ देने के लिए, तो दे रहे कि नहीं? सब जन साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि हरियाणा के, एमपी के, यूपी के सब किसान साथ दे रहे। ये खाली किसानों का मोर्चा नहीं है जी, जी। ये भूले मत रहना कि किसान का खाली तकलीफ है। जब वो 150-150 रुपए किलो का आटा लेना पड़ेगा ना, तो हर आम आदमी तकलीफ में आएगा। तो ये बात याद रखना। तो आम आदमी से क्या अपील करेंगे? सबके सब आके मोर्चे में साथ दो और ये कानून रद्द करवाओ कैसे भी। बोले सोनिया, हमारी रिकॉर्डिंग कुछ और होती है और आप मीडिया आवाज डाल के दूसरी रिकॉर्डिंग दिखाता है। देश में कितने हैं कानून करने को, पान पराग माणिकचंद, सिगरेट गुटखा बंद कराओ, ड्रग्स बंद कराओ, फ्री एजुकेशन, फ्री मीडिया, फ्री मेडिकल। मोदी सरकार है कि गरीब किसानों के पीछे पड़ी है। अरे किसान उगाते हैं तभी तो हम खाते हैं, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या जरूरत उनके पीछे पड़ने की? किसानों को तो एक एक चीज फ्री दो, ट्रैक्टर फ्री दो, गाड़ियां फ्री दो। क्या जरूरत है बंदा एक एक करोड़ की मंत्री को गाड़ी लेने की? वो बेचारा किसान भूखा मर जाते, खेती में आत्महत्या करता है। आप दोनों अपनी जेब से इतने इतने तो पेड़ बढ़ा रखे, चलने होता नहीं, झुकने होता नहीं, मंत्री बन जाते कुर्सियां तोड़ने के लिए। किसान देखो फिट एंड फाइनल कहीं भी काम करता है, हल चलाता है, ऐसी होनी चाहिए हेल्थ। सो आपको मेरी तरफ से मैं ये जो काले कानून है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। हमारे दादा परदादा लोग जो फार्मर हैं, ये 6 रुपए किलो से गेहूँ गवर्नमेंट को देते हैं। और आगे आज आप रिलायंस फ्रेश में चले जाइए या डी मार्ट में चले जाइए या कोई भी रिटेल शॉप में चले जाइए, जहाँ पे जैसे अपना बाजार होता है, वहाँ पे आपको वैरायटी के गेहूँ मिलते हैं, जैसे 16 रुपए के किलो से लेके 90 रुपए किलो तक। सो वो जो 90 रुपए का किलो गेहूँ है वो भी 6 रुपए में ही गवर्नमेंट बेचती है। बट आज ये जो अडानी है, अंबानी है, ये जो भंडार करेंगे आज के बाद, तो ये 90 रुपए किलो जो गेहूँ है ये 900 रुपए किलो में बिकेगा। बिकॉज भंडार आप कर सकते हो, आम आदमी कोई भंडार कर सकता है? कितना भंडार कर सकता है? ये जो कानून है ये फार्मर लड़ रहा है सिर्फ, इसके लिए देश को लड़ना चाहिए। क्योंकि एक फार्मर, जैसे मैं मेरे दादाजी की बात करता हूँ, मेरे दादाजी जब भी गेहूँ उगाते हैं तो अपने घर के लिए 20 क्विंटल गेहूँ रखते हैं। उनको गेहूँ नहीं खरीदना पड़ेगा, गेहूँ हम जैसे आम लोगों को खरीदना पड़ेगा। हमको सोचना चाहिए ये गेहूँ जो होगा आगे कल को महंगा होगा, ये इंसानों के ऊपर ये इसका आफत आएगी। तो ये लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि ये किसान जो है आज दिल्ली के हर एक सड़क के ऊपर एक किसान ठंडी में, हमारे बुजुर्ग 90-90 साल के लोग जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं कि कल को वो जो रेट पे बेचेंगे उससे या 2 रुपया या 5 रुपया ज़्यादा हमको मिलना चाहिए, जैसा अभी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी बढ़कर रास्ते पे आइए, फार्मर लोग को सपोर्ट कीजिए और अच्छे तरह से दीजिए, जैसे हमारा कानूनी हक है विरोध करने का, उसी से विरोध। सर मैंने सुना है कि यहाँ पर ये जो कानून है इसकी वजह से आम लोगों को ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आम लोगों को परेशानी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मेरे इधर टॉप का जो गेहूं होता है वो 6 रुपए किलो से गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको बायफ्रिकेट की करती है कि 15 रुपए का गेहूं कौन सा होगा, 25 रुपए का गेहूं कौन सा होगा, 80 रुपए का गेहूं कौन सा होगा या 90 रुपए का कौन सा होगा, उसमें से ही बढ़ता है ना सर। सरकार अपने घर पे तो बो के लेके नहीं आती है कि 90 रुपए किलो ये गेहूं है। आज आशीर्वाद का आटा 380 रुपए 10 किलो है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो 38 रुपीज किलो होता है। तो ये 90 रुपए वाला जो किलो गेहूँ मिलता है इसको आप 10 किलो के डिवाइड करो तो कितना, 900 रुपए 10 किलो हो जाता है सर। कल को आम जो आज 15-16 हज़ार 18 हज़ार की सैलरी के लोग हिंदुस्तान के अंदर 78% लोग हैं,
जिनको 15 से 18 हज़ार रुपए की सैलरी मिलती है, जिनको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो मिडिल क्लास भी नहीं है, वो बिचारे लो क्लास है। कल को वो 18 हज़ार रुपए कमाने के बाद भी अपना पेट नहीं भर पाएंगे। आज आप नॉर्मल, आपकी बात करता हूँ मैं, आप मीडिया वाले हो, आपका घर का राशन का खर्चा कितना होगा? 3 जन 4 जन को मिला के 12 हज़ार से 15 हज़ार रुपए है, ज्यादा ही। 18 हज़ार रुपए कमाने वाला कल को खाना खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। ये रिलायंस फ्रेश, ये डी मार्ट, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे जल्दे सारे और सारे पीछे हो जाओ।